हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना नेहरा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं MTK 6572-6582, और चाहे वो इंटेस का मोबाइल हो, चाहे वो माइक्रोमैक्स का मोबाइल हो, कोई भी सीपीयू हो, MTK 6572-6582, जो भी MTK सीपीयू होगा उसे आप मेडिकल बॉक्स से उसका सेक्टर फाइल सेलेक्ट करके उसे मेडिकल बॉक्स से फ्लैशिंग कैसे करेंगे, अगर आपको देखना है सीखना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे एक्स मन्ना नेहरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ सब्सक्राइब बटन है नीचे में, यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो बेल आइकन है उससे भी आप क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके मोबाइल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन पे है, ये यहाँ पे जो है बोल्ट पर आकर के जो है अटक रहा है और इसे आगे नहीं बढ़ रहा है, और इसे हमें जो है मेडिकल बॉक्स से फ्लैश करना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो है माइक्रोमैक्स का जो फ्लैश फाइल है, ठीक है, तो उसे जो है आपको अपने माइक्रोमैक्स के जो स्टॉक रूम है उसे वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो मेडिकल बॉक्स है उसे ओपन करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल बॉक्स है वो ओपन हो चुका है। हमें यहाँ अपना जो है बूट सेलेक्ट करना है, उसका जो सीपीयू है वो आईसी नंबर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, 6572, तो वो हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद हमें राइट प्लेस पे टिक लगाना है, उसके बाद हमें फ्लैश फाइल जो है सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे हमारा फ्लैश फाइल रखा हुआ है माइक्रोमैक्स का, इसे हमें जो है सेलेक्ट करना है यहाँ पे अपने मेडिकल बॉक्स में। सामने हमारा माइक्रोमैक्स का फाइल है, इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ फ्रेम बीपर पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें जो यहाँ पे सेक्टर फाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पे एंड्रॉयड सेक्टर फाइल है 6572, इसे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, अपने मेडिकल बॉक्स में। हमारा फाइल सेलेक्ट हो चुका है, अब हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना जो मोबाइल है उसे हमें डाटा केबल से अपने जो है इस कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। जैसे उसका बैटरी जो हम उसे निकाल करके दोबारा हम मोबाइल में लगाएंगे और डाटा केबल कनेक्ट रहेगा, हमारा मोबाइल जो ऑटोमेटिक बूट करेगा और फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, और लास्ट में मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि आप जो 6572 का जो IMEI मेडिकल बॉक्स है कैसे उसका फाइल सेलेक्ट करेंगे, उस फाइल के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा फाइल सेलेक्ट करना चाहिए IMEI राइट करने के लिए। यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, और सक्सेसफुली जो सारा जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली जो राइट हो चुका है मोबाइल पर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल हमारा जो है ऑन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट में, मैं आपको बताऊंगा कि IMEI के राइट करने के लिए मेडिकल बॉक्स से जो है किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन का जो है उसका जो कौन सा फाइल आपको सेलेक्ट करना चाहिए IMEI राइट करने के लिए, तो वो फाइल के बारे में आपको लास्ट में भी दिखा रहा हूँ।
दोस्तों, जैसे मैंने बता रखे थे कि आप IMEI राइड कैसे करेंगे, मिरेकल बॉक्स है जो है 6572 6582 किसी भी CPU का, तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। इस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है IMEI राइड करने के लिए। जब भी आप IMEI राइड करेंगे तो आपको ये फाइल सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।